तो आज हम बात करेंगे हमारे बॉलीवुड के रियल किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बारे में। दोस्तों 2018 के बाद उनके एक भी फिल्म नहीं आई थी और फाइनली तौर पर दोस्तों ऑडियंस को उनकी फिल्मों का बहुत ही इंतजार था। फाइनली तौर पर पठान फिल्म में वो हमें नजर आएंगे और रणवीर कपूर की फिल्म यानी कि ब्रह्मास्त्र में एक कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों इसी बीच हमारे सामने एक जबरदस्त न्यूज आई है कि वो अब संजय लीला बंसाली के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, संजय लीला बंसाली के साथ वो अपनी एक नई मूवी में नजर आ सकते हैं। यह दोस्तों एक रोमांटिक मूवी होगी, लव स्टोरी के बेस के ऊपर ये होगी और रियल लाइफ के ऊपर यह आधारित होगी। तो दोस्तों संजय लीला बंसाली ने शाहरुख खान का ही नाम लिया इस फिल्म में, उनको ही लेंगी। सो दोस्तों रोमांटिक अंदाज में आपको तो पता है कि शाहरुख खान बहुत ही जचते हैं और ऑडियंस को उनका रोमांटिक अंदाज भी बहुत ही अच्छा भाता है। तो दोस्तों इस फिल्म का शायद नाम इजहार हो सकता है और दोस्तों शायद बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस फिल्म को यानी कि इस फिल्म को फिल्माया जाएगा और ऑडियंस के दिल में राज कर सकती है ये फिल्म। तो दोस्तों देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करेंगे शाहरुख खान। आपको तो बताया होगा कि सलमान खान के साथ उनकी इंशाल्लाह थी और उन्होंने डील कैंसिल कर दी कुछ मतभेदों के साथ। और दोस्तों उस फिल्म में भी शाहरुख खान एक कैमियो रोल करते हुए नजर आने वाले थे, लेकिन नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर उनकी डील पूरी तरह से टूट गई। और दोस्तों अब फाइनली तौर पर शाहरुख खान के साथ नजर आने की उम्मीद हम लगा सकते हैं कि शाहरुख खान संजय लीला भंसाली के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बार फिर बताऊंगी, एक लव स्टोरी यानी कि बहुत ही रोमांटिक अंदाज वाली ये फिल्म होगी और रियल बेस्ड के ऊपर ये फिल्म आधारित होगी। तो दोस्तों आपको इस फिल्म का कितना इंतजार और संजय लीला भंसाली के साथ शाहरुख खान आनी चाहिए या फिर नहीं, दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रही है सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।